आज मैं आपको देवी के एक ऐसे रूप के विषय में बताने जा रहा हूँ जो अत्यंत उग्र है, जो गुप्त है, जिसके विषय में बहुत कम ही पता है और जो अत्यंत शक्तिशाली है। देवी रक्तदंतिका। यह देवी दुर्गा का अत्यंत उग्र रूप है। देवी का यह तामसिक रूप माना जाता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली देवी दुर्गा का यह रूप रक्तदंतिका के नाम से पूजा जाता है। अल्पकालीन शरीर और मानसिक शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी के मंत्र, देवी की पूजा की विधियां सब उपलब्ध हैं, लेकिन देवी का कोई भी तस्वीर या चित्र आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। देवी का स्वरूप इतना भयानक है कि वह अपने स्वरूप से ही राक्षसों को नष्ट कर देती हैं। उनके भय युक्त रूप को देखकर राक्षसों के प्राण निकल जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि देवी रक्तदंतिका ही प्रचिति नामक दैत्यों का वध करेंगी और वह उस समय राक्षसों को जिंदा ही खा जाएंगी। वह रक्तवर्णित साड़ी धारण करती हैं, उनके वस्त्रों से रक्त बहता है, उनके शरीर के सभी अंग लाल हैं और अंगों से लपटे निकल रही हैं। उनके आभूषण भी लाल हैं, उनके अस्त्र शस्त्र बाल तीखे नैन दांत सभी रक्तवर्ण के हैं, इसीलिए वे रक्तांबरा हैं, रक्तवर्णा हैं, रक्त केसी हैं, रक्त उधा हैं, रक्त नेत्रा हैं और रक्त दर्शना एवं रक्त दंतिका हैं आदि नाम से उनको जाना जाता है। देवी अत्यंत भयानक हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह सौम्य रूप धारण करती हैं। देवी का यह रूप गुप्त रखा गया है, लेकिन इसके मंत्र और देवी की स्तुतियाँ आज भी उपलब्ध हैं। देवी को रक्तवर्ण काली के रूप में जाना जाता है। यह कुपित होने पर बड़े से बड़े ब्रह्मांड को निगल जाती हैं और प्रसन्न होने पर नए ब्रह्मांडों की रचना करती हैं। देवी अत्यंत सौम्य और अत्यंत रुद्र दोनों ही हैं। वह भक्तों के लिए भक्त वसला है और दुष्टों के लिए काल से भी परे हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी वाले वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।